हम आपको दीपावली पर्व के बारे में कुछ खास बातें बताने जा रहे हैं। इसमें अमृतम का ये दीपावली पूजन बॉक्स है और इसके अंदर क्या क्या हमने सामान रखा है, पूजन का विधि क्या है, साथ में लेटर है, क्योंकि लगभग लगभग काफ़ी लोग दीपावली पूजन महालक्ष्मी पूजन के बारे में नहीं जानते, इसलिए वीडियो बड़ा हो सकता है। इसको आप सुनेंगे तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, घर में महालक्ष्मी प्रवेश करेगी, घर में महालक्ष्मी का वास रहेगा, घर से दुख दर्द गरीबी दुख रोग घर से मिटेंगे। तो इस वीडियो को अगर आप पूरा सुनेंगे थोड़ा सा धैर्य के साथ और इस विधि विधान से पूजा आप करेंगे तो निश्चित है कि आपका ये साल बहुत ही ज़्यादा लाभकारी और सफलताकारक सिद्ध होगा। भारत की प्राचीन परंपरा में दीपावली पर्व पर जो महालक्ष्मी पूजन किया जाता है ये सतयुग से चल रहा है और इसकी शुरुआत जो है राजा बलि जो हिरण्य कश्यप के पर पोते थे, राजा बलि भक्त प्रहलाद के नाती पोते जो थे उनसे शुरुआत हुई थी। और दीपावली में विशेष रूप से माँ लक्ष्मी का पूजन और दीप दान, दीपावली का मतलब होता है दीप धन अवली, मतलब दीपों की श्रृंखला जलाना, जितने दीपक आप जला सकते हैं जीवन में उतना अंधकार अज्ञानता और अहंकार का नाश होता है। ये अमृतम द्वारा लगभग पिछले 25 सालों से दीपावली बॉक्स की पूजन सामग्री की तैयारी की जाती है और लोगों को पूरा विधि विधान बताया जाता है कि दीपावली पूजन का महत्व क्या है, पूजा कैसे करना चाहिए। ये कुछ डिब्बे हैं तो मैं पुराने बता रहा हूँ, ये पुराने डिब्बों का ही कुछ बचा हुआ सामान है। इसमें जैसे ये बही खाता, दीपावली पूजन का बही खाता, ये मंत्र वगैरह सब जानकारी, कुबेर पोटली, अब ये डिब्बे का रूप बदल गया है। अमृतम का नया बॉक्स है दीपावली पूजन सामग्री बॉक्स, इसमें काफ़ी सामान है, लगभग इसमें 55 से ज़्यादा इसमें आइटम है, जैसे रोली कुमकुम है, केसर है, चंदन है, इसके अलावा ये अक्षत है, ये लक्ष्मी गणेश जी की पूजा के लिए ये अगरबत्ती है, काफ़ी है, ये लगभग 6 घंटे अगरबत्ती जलती है। इसके अलावा ये अमृतम का हमारा स्पेशल इसमें आइटम है, ये अष्टगंध है चेहरे पर लगाने के लिए, बॉडी में भी लगा सकते हैं। अमृतम फेस क्लीनअप है, खासकर धनतेरस को, धनवंतरि दिवस को और छोटी दिवाली को चेहरे पर लगाकर इसको सुखाना, पूरी बॉडी में भी लगा सकते हैं और चेहरे पे भी लगा सकते हैं और इसका काफ़ी आध्यात्मिक महत्व भी है। छोटी दिवाली के दिन नीम की दातुन करना और ये साथ में अपामार्ग का ये ताजी पौधा है, लेकिन हम डब्बे में भी डाल रहे हैं, ये अपामार्ग जो है ये नीम और अपामार्ग दो चीज़ें इसके अंदर हैं, तो ये अपामार्ग को अपने बॉडी में अमृतम तेल लगाकर, ये अमृतम काया की ऑयल लगाकर पूरी बॉडी में नहाते समय इसको 7 बार ऐसे उसारना है। 7 बार उसार कर फेंकने से घर में किसी भी तरह का वास्तु दोष हो, बीमारी हो, रोग हो, परेशानी हो, गरीबी हो, दरिद्रता हो, सबका अंत हो जाता है। बालों में लगाने के लिए हमारा सबसे स्पेशल प्रोडक्ट है कुंतल केयर हर्बल हेयर स्पा। ये पूजन में यंत्र बनाने के लिए भोजपत्र, भोजपत्र के बारे में आप जानते हो, ये पेड़ों की छाल होती है, ये प्राकृतिक चीज़ें से बनाया नहीं जाता, प्रकृति द्वारा ये प्रदत्त है भोजपत्र। इसमें दीपावली पूजन का पूरा विधान का एक काफ़ी बड़ा लेटर दिया हुआ है 2 पेजों का, इसमें पूरा विधान से बताया है पूजा, दीपावली पूजन का क्या महत्व है और किस तरीके से पूजा करना चाहिए। ये धनवंतरि दिवस के लिए ठंडाई पीना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें बादाम, किशमिश, अंजीर, मुनक्का, खसखस, ऐसे बहुत सारे बीज वगैरह इसके अंदर होते हैं। यमतम ठंडाई इसका धनवंतरि दिवस के दिन इसको पीने से बॉडी में जो पित्त है, जो गर्मी है वो शांत होती है और पित्त संतुलित होता है। पट्टे में बिछाने के लिए ये मखमल का कपड़ा ही लक्ष्मी जी को बिछाया जाता है, ज़्यादातर लोग साटन का कपड़ा बिछाएते हैं, ये मखमल का कपड़ा है लक्ष्मी जी पट्टे में बिछाने के लिए, जिस पर अपन गणेश जी और लक्ष्मी जी को रखकर पूजन करते हैं। ये श्रीफल, ये कलश श्रीफल पर रखने के लिए कलश स्थापना जरूर करना चाहिए, जिसमें वरुण देवता का वास होता है। ये दीपक है, ये इत्र है। तो दीपावली दरअसल क्या 5 दिनों का त्यौहार है, 5 दिन का मतलब है 5 तत्वों की शांति के लिए, अग्नि, जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, 5 तत्वों की शांति के लिए दीपावली का पर्व मनाया जाता है। तो इन 5 दिन अपने घर में इतनी चढ़ती है और अपने शरीर में भी लगाइए, तो जितनी पवित्रता होगी, जितनी शुद्धि होगी माँ लक्ष्मी, उतनी ज़्यादा अधिक मात्रा में आपके पास आएगी। और छोटी दिवाली के पूजन विधान का जो इसमें लेटर दिया हुआ है उसको जरूर अपनाइए, क्योंकि जब तक छोटी दिवाली लक्ष्मी जी की बड़ी बहन ज्येष्ठा का दिन है, जब तक घर से दरिद्रता गरीबी नहीं जाएगी तब तक माँ लक्ष्मी उस घर में नहीं आएगी। ज़्यादातर लोग गलती यही कर जाते हैं, केवल माँ लक्ष्मी दीपावली वाले दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करके बाकी सब और प्रोग्राम नहीं करते। इसलिए धनवंतरि दिवस को, धनतेरस के दिन, छोटी दिवाली के दिन विशेष रूप से बहुत पूजा करना चाहिए। और उस दिन वो शिवरात्रि भी होती है, दीपावली की शिवरात्रि कहलाती है, हो सके तो किसी शिव मंदिर में दीपक जरूर जलाना चाहिए और उसके लिए हमने राहु की तेल से दीपक जरूर जलाना चाहिए, छोटी दीपक, ताकि राहु का प्रकोप
कम हो सके। ऐसे इसमें अमृतम मंजन भी दिया हुआ है जो दांतों पर पांचों दिन जरूर मंजन इससे करना चाहिए तो दांत की कोई भी तकलीफ परेशानी है। और इसका एक आध्यात्मिक पहलू भी है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हमारी एक अमृतम पत्रिका की दीपावली विशेषांक लगभग 200 पेज का है, उसमें बहुत सारी जानकारी हमने दी हुई है और इस समय उसको हम सब लाइन ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑनलाइन आपको पढ़ने को मिल जाएगा। वैसे लेटर में भी बहुत सारी संक्षिप्त में जानकारी है जिसे पढ़कर आप आराम से पूजा कर सकते हैं। और इस दीपावली अमृतम दीपावली बॉक्स के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसके बारे में देश के लगभग लोग 98% लोग नहीं जानते, 2% वैश्य बनिया और जो जानकार लोग हैं वही जानते हैं। दीपावली के दिन कुबेर थैली का बहुत बड़ा महत्व है। कुबेर थैली में गुड़, कमलगटा, हरा धनिया, हल्दी, कौड़ी और नाग केसर भी हमने इसके अंदर डाली है। और ये दीपावली के दिन रात को पूजा करने के बाद वो मंत्र जप सकते हैं, मंत्र जपने के बाद इसको जो है अपनी अलमारी के अंदर पोटली के अंदर आप रख दीजिएगा और पूरे साल आप देखिएगा कि आपकी ज़िंदगी में दोगुनी तेज़ी से उन्नति होगी। जो हमारा पिछले तो 40-45 साल का अनुभव, लेकिन 25 साल से जो अमृतम दीपावली बॉक्स के अनुसार पूजा कर रहे हैं उनके जीवन में बहुत उन्नति हुई है। और इसके अंदर ये गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा के लिए सिपाही दी हुई है, ये पटे पर रखी जाती है, दो सिपाही लक्ष्मी जी और गणेश जी के प्रतीक हैं। इसके अलावा पांचों दिन धनतेरस से लेकर और 22 तक इस बात का सब लोग ध्यान रखें, ये डिटॉक्स की हर्ब्स है। डिटॉक्स ये बॉडी की पूरी जितनी गंदगी है, शरीर की, तन की, मन की, अंतर मन की, जब तक गंदगी और शरीर घर की गंदगी जब तक बाहर नहीं होगी, क्योंकि माँ लक्ष्मी बहुत महाशक्ति है। माँ शक्ति को जैसे अपन किसी VIP को अपने घर में बुलाते हैं तो उसको बुलाने के पहले या गुरु को बुलाते हैं तो बुलाने के पहले घर की साफ सफाई और पूरा देखभाल व्यवस्था बनाते हैं, ऐसी शरीर की सफाई के लिए ये डिटॉक्स की हर्ब्स है। एक चम्मच आपको जो है एक आदमी के लिए एक चम्मच 200 ml पानी में रात को गला दें और सुबह उसको आधा रहने तक उबालें, उबाल कर उसको पी जाएं। व्यक्ति के लिए एक चम्मच और परिवार में मान लीजिए 4 लोग हैं, सिर्फ 4 चम्मच रात को गलाएं 400 ml पानी में और सुबह उसको 200 ml रहने में सब लोग पूरा परिवार पिए। पाँचों दिन तो शरीर की सारी गंदगी, पेट में जो भी एमोबाइसिस है, कब्ज है, कॉन्स्टिपेशन है, एसिडिटी है, गैस है और भी बहुत सारी जो प्रॉब्लम है, लीवर में प्रॉब्लम है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये डिटॉक्स की अब के इस्तेमाल से आपकी दूर हो जाएंगी। साथ में आप चाहें तो हमारा एक कीलिव स्ट्रॉन्ग सिरप भी आता है, वो भी बहुत लाभकारी है। ये हमारा अमृतम बही खाता है, जिसको बही खाता दरअसल हिंदी शब्द नहीं है, इसको बोलते हैं कायदे से गणना पत्रक, जो संस्कृत में बोला गया है इसका नाम है गणना पत्रक। और साथ में ये पेन है, पेन भी अंग्रेजी शब्द है, असल में दावात इसका नाम भी बोलते हैं, कलम भी इसको लोग बोलते हैं। ये साथ में है ये धूप बत्ती है, इसमें करीब धूप जलाने के लिए, तो ये घर के मुख्य दरवाजों को मंदिर में जरूर जलाना चाहिए, ये अमृतम धूप बत्ती है। ये श्रीयंत्र जब आप पूजा करें तो सामने इस अमृतम श्रीयंत्र को अपने पूजा के पीछे दीवार पर कहीं इसको लगाते हैं, इससे बड़ी एनर्जी आती है और पूरा साल भर लगे रहने ना, और अगली दिवाली पे इसको आप फिर हटा सकते हैं। ये अमृतम श्रीयंत्र, इसमें कलाबा है, बाती है, कपूर है, ये सभी अलग अलग पाउच में, 4 तरह के पाउच हैं, सब में पूजा का ही सामग्री है। तो ये सारा सामान दीपावली अमृतम दीपावली पूजन बॉक्स के अंदर उपलब्ध है। सबसे बड़ी बात है कि दीपावली पूजन का जो विधि विधान वैदिक विधान है, अगर आप उस विधान से पूजा करेंगे तो निश्चित रूप से पूरे साल में आपकी बहुत उन्नति होगी, बहुत बड़ी सफलता मिलेगी और बहुत रुकावट भी होगी, क्योंकि दीपावली पूजन का सबसे बड़ा महत्व यही है कि माँ लक्ष्मी की बड़ी बहन है जिसका नाम ज्येष्ठा है, उसको विदा करेंगे तो वो अपने आप आपके घर में आएगी और आपको उन्नति का अनुभव होगा।